असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम राबा अहमद एंड यूर वॉचिंग माई न्यू वीडियो फ्रेंड दिस वीडियो इज़ मेकिंग ऑफ़ फ्रॉक विच इज़ फॉर द थ्री टू फोर ईयर्स ओल्ड गर्ल एज़ यू ऑलरेडी रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ फ्रॉक फॉर थ्री टू फोर ईयर गर्ल्स तो आज मैं आपको एक फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूँ जिसमें तीन लेयर्स बनाई जाएंगी आई विल यूज़ वन वन मीटर ऑफ थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ नेट राइट right? ये मेरे पास सबसे पहली लेयर है इट्स अ पर्पल कलर मैंने तीन कलर्स का इस्तेमाल किया इसको आपने डबल करके यूज़ करना होगा तो मैं आपको इसकी लेंथ और विर्थ बता देती हूँ दिस इज़ अ पर्पल कलर और ये लंबी लेयर होगी ठीक है एज आप थंबनेल में देख चुके हैं तीन लेयर्स के थे तो आप अपनी मर्जी से कंट्रास्ट कर सकते हैं नीचे आपको मैं मेजरमेंट प्रॉपरली दे रही हूँ ट्वेंटी एट इसकी विर्थ रखेंगे और लंबाई इसकी हम फिफ्टी इंचज़ रखेंगे और इसको आपने डबल फोल्ड करके यूज़ करना होगा ठीक है मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है इस तरह आप डबल फोल्ड करेंगे और जो खुली साइड है उसका हम रफल बनाएंगे ऐसे मैंने इसमें चुंटे डालनी है ठीक है ये जो साइड है ये ओपन नहीं होनी चाहिए इट शुड बी अ क्लोज साइड जो नीचे वाली साइड है वो क्लोज होनी चाहिए ठीक है क्योंकि मैं इसको ऐसे यूज़ करूंगी तो आपको पीखो वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेम आई ऑल्सो टेक द सेम फैब्रिक फॉर द बैक साइड ऑफ द फ्रॉक ठीक है ये दो आपने इस तरह के तैयार कर लेने हैं वन मीटर फैब्रिक में बहुत ईजीली आपका काम हो जाएगा तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सेकेंड लेयर बताती हूँ दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ़ द फ्रॉक और ये मैंने लिया है ब्लू कलर uh, इसकी जो लेंथ होगी इट विल बी द सेम वन लाइक फिफ्टी इंचज़ एंड विथ शुड बी अब बिट स्मॉलर दैन द फर्स्ट लेयर तो ये तकरीबन ट्वेंटी में लूँगी <clears throat> ठीक है और इसी तरह इस तरह के दो पीसेस मुझे चाहिए होंगे जो वन मीटर फैब्रिक में बहुत इजीली बन जाएंगे तो विर्थ और लेंथ मैंने आपको बता दी इसको भी हमने ऐसे करके डबल फोल्ड करना है ठीक है डबल फोल्ड करके यूज़ करना है और ऊपर से इसको हमने चुनटे डालनी है ये मैंने बैक साइड के लिए भी कपड़ा काट लिया है तो ये दोनों मेरी सेकेंड लेयर आ जाएंगी अच्छा फ्रेंड्स अब थर्ड कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो वाइट यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो पिंक भी यूज़ कर सकते हैं वट एवर यू लाइक द कलर शुड बी ऑफ योर ओन चॉइस आई एम यूजिंग दीज थ्री कलर्स लाइक पर्पल ब्लू एंड येलो तो फ्रेंड्स इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए लाइक like, मैं इसकी फोर्टीन रख रही हूँ और जो लेंथ है वो तकरीबन फिफ्टी ही होगी द लेंथ शुड बी ऑफ द सेम फॉर ऑल द थ्री कलर्स बट द विथ शुड बी अ बिट स्मॉलर देन द फ़र्स्ट लेयर सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर तो इसी तरह आपने बैक साइड भी तैयार कर लेनी चाहिए कर लेनी है ठीक है ये मेरी बैक साइड भी होगी दोनों तीनों लेयर्स मैंने रेडी कर ली हैं अब एज़ यू नो कि हमें स्लिप लगानी पड़ेगी इन लेयर्स uh, <coughs> के नीचे तो ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये तकरीबन फिफ्टी एज़ यूजल आपको पता है कि फिफ्टी uh, इसकी लेंथ uh, और विट्स मैंने आपको बता दी है नीचे लिखी हुई आ रही होगी फिफ्टी इसकी मैं विट्स ले लूँगी और इस तरह आपने इसको भी डबल फोल्ड करके यूज़ करना है ठीक है बहुत इजीली बन जाएगा और एज़ यू नो कि वो थोड़ी छोटी होती है स्लिप ये कपड़ा मैम फ्रेंड्स मैं सिल्क का यूज़ कर रही हूँ साथ में मैंने स्लिप का अलग से कपड़ा यूज़ किया है ये भी आप वन वन मीटर का ले लीजिएगा तो बहुत ईज़िली आपका काम हो जाएगा इसकी भी लेंथ और मैं आपको बता देती विथ ट्वेल्व इसकी लेंथ और मैंने ले ली है साथ में स्लिप का कपड़ा भी आपने यूज करना है वन फैब्रिक इज़ ऑफ फॉर द स्लिप एंड वन फैब्रिक इज फॉर द अपर बॉडी लेंथ और विट्थ ले लीजिए सेम ये तीन से चार साल की बच्ची को आराम से पूरी होगी ठीक है इस तरह आपने इसको फोल्ड करके रखना है और फिर मैं आपको इसकी सारी लेंथ और विर्थ बताऊंगी मेजरमेंट्स बताऊंगी ताकि आप बहुत अच्छी सी प्यारी सी फ्रॉक बना सकें विदाउट मेजरिंग योर ड्रेस किड्स ड्रेस नाउ फ्रेंड्स एज यू सी मैं आपको बता देती हूँ थ्री इंच आपने तकरीबन इसकी नेक का काट लेना है ठीक है अगर तो आपकी बेटी या जिस बच्ची का आप बना रहे हैं वो चबी है तो उसका साइज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा और थ्री इंच ही मैं शोल्डर्स के लिए छोड़ूंगी ठीक है थ्री थ्री इंच मैंने यहाँ छोड़ दी और यहाँ पे मैं फाइव इंचेस के स्लीव्स रखूँगी थ्री इंच हेयर ठीक है इसको मैं कट लगा लेती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से काटूँगी तो इस तरह फ्रेंड्स आप यहाँ शोल्डर्स पे भी कट लगा दें ठीक है फिर यहाँ से फाइव इंचेस का गैप रख के मैंने इसके जो स्लीव्स हैं वो काटने कटिंग हो गई अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन इसकी कटिंग आपने करनी है और इसको एक शेप देनी है एक फ्रॉक का जो अपर बॉडी होती है उसकी नीचे से हमेशा थोड़ा सा आर्क शेप में हम काटते हैं इसको ये आपकी फ्रेंड्स रेडी होगी रिमेंबर वन इज अ स्लिप फैब्रिक एंड द अदर वन इज द अपर बॉडी फैब्रिक ओके सो so, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स तीन आपने जो आपके पास जो नेट का कपड़ा था उसमें से आपने तीन लेयर्स बना लेनी है लेंथ की जो विर्थ है वो थ्री है और फिफ्टीन टू ट्वेंटी आप इसकी जो है वो लंबाई लेंथ ले लेंगे ठीक है ये फ्लावर बनाने के लिए होगी वो मैं एंड में आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह बनाना है बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी चले हम स्टिचिंग पे चलते हैं स्लिप और जो आम, सही वाला कपड़ा है जो आपकी फ़्रॉक के ऊपर यूज़ करें सिल्क हो सकती है नेट हो सकती है तो सिल्क मोस्टली यूज़ की जाती है पहले तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ठीक है इसी तरह आपने बैक साइड के भी पोर्शन को करना है उसके बाद हम आप अगला स्टेप आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से करना है तो इसको गौर से देख लीजिएगा जिनको बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम स्टिचिंग करने वाले हैं और उनको नहीं आती तो बहुत इजीली हर स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से जो है वो बनाना है फ्रॉक क्योंकि बहुत से लोगों को बेसिक्स का नहीं पता होता स्टिचिंग की और जो बिगनर्स हैं और जो न्यूली लर्न कर रहे हैं तो हमारे चैनल में आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी बहुत इजीली आप स्टिचिंग सीख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था सिंपल कमीज शलवार दुबट्टा हर तरह की चीज़ और फ्रेंड्स प्लीज टेट विद अस बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त दुबट्टा जो है वो हम आपको डिज़ाइन ले आ रहे हैं तो इसलिए हमारी जो है चैनल को अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं जो कि शायद इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होंगी ये फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको जोड़ लिया ठीक है आपने पूरी स्लिप को इस तरह ही जोड़ते हैं अगर आप कमीज़ भी बनाते हैं साथ में स्लिप तो उस, उसको भी इसी तरह से जोड़ा जाता है पहले जोड़ा जाता है स्लिप को शर्ट के साथ और उसके बाद उसको हम आपस में स्टिच करते हैं ये फ्रेंड्स इस तरह कर लिया मैंने फ्रेंड्स अब मैं इसको ना सीधा कर लूंगी ठीक है क्योंकि फिर मुझे जो फ्रॉक है उसको स्टिच करना तो वो फिर मैं आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी अच्छा फ्रेंड्स अब जो लेयर्स मैंने आ, रखी थी उनको आपने स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ आपने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को रखना है फिफ्टी लेंथ है और विर्थ इस कपड़े की फोटीन इंचज़ थी इसको आपने सीधी तरह से रख के सिंपल इसको आपने आ, मोटी सिलाई से स्टिच कर लेना है ठीक है इसको मैं रफ़ल करूंगी इसलिए मैं जो इसमें जो फिरकी का जो धागा होता है उसको खींच के जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी लेस मतलब थोड़ा सा जो है ना वो चुनट देने के लिए फिरकी वाले धागे को खींच के इसको आहिस्ता आस्ते उसमें ज़्यादा चुनट देते हैं ये लेयर मैं आपको पूरी बनाना सिखाऊंगी और अगली जो दो हैं वो आपको इससे ही समझ आ जाएंगी इसलिए इसको पूरा देखिएगा प्लीज़ क्योंकि फिर आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हमारी वीडियो में बहुत क्लियर होती हैं वो आपको समझ नहीं आती फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे किया था आपने ये कैसे इसलिए प्लीज़ वीडियो की एक एक चीज़ को डिटेल से देखा करें ये फ्रेंड्स ये मैंने ऑलमोस्ट रीस्ट है अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसके अंदर जो है वो लेयर्स के देखिए देर आर टू थ्रेड्स थ्रेड्स ठीक है जस्ट डू दिस टू तो मेक इट मोर रफल्ड इस तरह से फ्रेंड्स आपकी जो चुनट है ना वो ज़्यादा हो जाती है और बहुत ही प्यारी चुनट बनती है वो ये फ्रेंड्स हो चुका है रेडी अब ये मैं ब्लू को भी बिल्कुल इसी तरह मैंने स्टिच करके उसका बना लेना ये देखिए मैंने ब्लू रेडी कर लिया है पर्पल रेडी कर लिया है अब आपने कहना यह सबसे पहले हम रखेंगे पर्पल देन ब्लू एंड देन वाइट ना वट यू गोन डू इज टू पुट ऑल दीज लेयर्स लाइक दिस एंड स्टिच ऑल टुगेदर ऑल्सो मेक द सेम फॉर द बैक साइड ठीक है जो हमने बैक साइड के लिए जो स्ट्रिप्स रखी थी uh, जो लेयर्स रखी थी वो भी आपने इसी तरह दो, उन दोनों को भी स्टिच कर लेना और फिर हम इन दोनों को मिला के फ्रॉक हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी अच्छा फ्रेंड्स एक और बात अब आप अगर किन किन का कपड़ा लगाना चाहते हैं नीचे इसको थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ बनाने के लिए तो किन किन का कपड़ा आप लगा सकते हैं और उसके नीचे फिर आपको फिर एक कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि किन किन जो है वो सख्त होती है और वो चुपती है फ्रेंड्स uh, ये हो गया अब मैंने जो शर्ट है आई ऑलरेडी स्टिच द शर्ट विद द लेयर्स उसके बाद आपने शोल्डर्स को साथ में रख के बंद करना है और सारी जो है वो uh, इसकी स्टिचिंग कर लेनी है ठीक है एक्चुअली इसको जोड़ने की uh, जो वीडियो है वो मुझसे स्किप हो गई है डिलीट हो गई है इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ uh, कि जो ऊपर वाला पोर्शन था अपर बॉडी को मैंने नीचे लेयर्स के साथ सिंपल जिस तरह आप स्टिच करते हैं उस तरह मैंने स्टिच कर लिया ये हो गई बैक और ये हो गया फ्रंट अब आपने साइडों से भी इसको जोड़ लेना है धागा हमेशा वही यूज़ किया करें जो चीज़ आप स्टिच कर रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ से भी मैंने स्टिच कर लिया है ठीक है अब हम आपको फ्रॉक सीधी करके दिखाते हैं उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने किन किन लगानी है तो किन किन भी साथ में अटैच कर लीजिएगा ये स्लिप का कपड़ा है ये देखें मैंने साइडों से पहले इसको पहले मैंने साइड से जोड़ा है उसके बाद मैंने नीचे इसकी पाइपिंग कर दी है ठीक है ये देखें नीचे से मैं पाइपिंग कर चुकी हूँ ऊपर भी पाइपिंग करनी है दिस शुड बी स्मॉलर देन योर फ्रॉक इसमें भी हम चुनट डाल रहे हैं यू हैव टू मेक इट रफल ये हो गई फ़्रेंड्स हमारी रेडी शमीश अब हम इसको अटैच कर देंगे फ्रॉक के साथ ठीक है इसको भी आपने ऐसे चुंडे करके इसको आपने रेडी कर लिया है काफ़ी खुली है तो बहुत इजीली आपकी फ़्रॉक में आ जाएगी ये फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है एक्स्ट्रा धागे वग़ैरह आप इसके हटा दें इसमें थोड़ी चुनट ज़्यादा कर लें और फिर हम इसको फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे नाउ फ्रेंड्स मैं अब आपको बताती हूँ आपने इसको अटैच कैसे करना है इस तरह से आप इसको इसके अंदर करके रखेंगे ठीक है उल्टा करके फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर फ्रॉक यू हैव टू स्टिच दिस स्लिप ठीक है इस तरह ये ऑलरेडी स्टिच है तो इस तरह से आप इसको स्टिच करेंगे फ्रॉक के साथ फ्रॉक भी स्टिच्ड है ये भी स्टिच है अब दोनों को जस्ट जोड़ना है साथ में मैं आपको ये इसलिए क्लियर दिखा रही हूँ ये पूरा देखिएगा प्लीज़ ताकि आपसे कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो वीडियो को आगे आगे करके ये पॉज करके पॉज करके भी आप देख सकते हैं और आगे करके आप ना देखें बल्कि पूरा पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ सही समझ आए अब फ्रेंड्स ये फ़्रॉक के ऊपर लगाने के लिए फ़्रॉक है दीज थ्री लेयर्स आर फॉर द फ्लावर मेकिंग एक बड़ा सा आ, फ्लावर मैं बनाऊंगी फ्रॉक के ऊपर लगाने के लिए तो इसमें मैं तीनों कलर्स यूज़ करूँगी नेट के यू कैन टेक एनी कलर लाइक यू कैन चूज थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ नेट टू मेक अ फ्रॉक ऑफ योर ओन स्टाइल एज यू सी ये एक हो गई नाउ दिस इज़ अ पर्पल वन सेम इसी तरह मैंने इसको बनाया क्योंकि पर्पल जो है वो ये दोनों बिल्कुल सेम है इस तरह मैंने बना ली इनको और दोनों को बनाने के बाद आप कर लीजिएगा पर्पल को बेशक थोड़ा सा थोड़ा ऊपर से कटिंग करके उसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा इस तरह फ्रेंड्स हमारे दो तैयार हो गए हैं ये देखें ठीक है पर्पल ये देखें पर्पल अंदर ही रहेगा ज़्यादा अब ये देखें ब्लू भी मैंने इसी तरह सेम मेक द ब्लू फ्लावर लाइक दिस दिस टू फ्लावर्स आर रेडी now let me show you how I will attach this flower on the frock ये इसके साथ अटैच हो गई है अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ ये फ्रेंड्स हमारी बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक रेडी हो गई आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मुझे देखने में बहुत प्यारी लग रही है और अब आप फ्लावर्स अपनी लोकेशन uh, देख लें कि आपने कहाँ लगानी है ठीक है मैं इसको जो है बिल्कुल uh, फ़्रॉक के दरमियान में लगाऊँगी इस तरह से आप रख लें इसको आप यहाँ लगा सकते हैं चाहे तो आप दो फ्लावर्स लगा सकते हैं Uh, यहाँ पे हम लगा लेंगे ग्लू गन इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़ एट एनी टाइम और बहुत पक्की चीज़ इससे जुड़ती है ये फ्रेंड्स रेडी हो गया इसको आप इसके साथ अटैच कर लें ये फ्रेंड्स हमारी फ्रॉक हो गई है रेडी फ्लावर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल बीड्स भी पड़े हैं मेरे पास आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है यहाँ मैं इसके जो है वो आ, साइडों पे थोड़ा सा आ, सितारे लगा सकते हैं आप बीड्स लगा सकते हैं एनी थिंग वट एवर यू लाइक चाहे तो आप गले पे भी इसके बीड्स लगा के इसको एक लुक दे सकते हैं मैं थोड़ी प्लेन बनाना चाह रही थी तो इसलिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ ये फ्रेंड सारे हो गए हैं रेडी तो अब ये आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है इसके लीव्स को थोड़ा थोड़ा साइड्स पे कर लें ये आपकी फ्रॉक हो गई है रेडी देखें इसके साथ आप ट्राउज़र यूज़ कर सकते हैं पजामा यूज़ कर सकते हैं Uh, कोई भी जीन्स बच्चों को पहना के यूज़ करवा सकते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है आप चाहे तो वाइट की जगह कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं वाइट में ये है कि फिर ये बहुत फैंसी नहीं लगेगी नॉर्मल कैजुअल में भी पहन सकते हैं और अगर आप पिंक कलर यूज़ करेंगे तो वो भी लेकिन मुझे क्योंकि पिंक कलर मिला नहीं पर्पल के साथ मैच कर रहा था तो इसी तरह का पिंक था तो इसलिए मैंने नहीं लिया तो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रॉक अच्छा लगा होगा डिज़ाइन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आने वाली हैं अल्लाह हाफिज़